मेरा नाम लाइबा अकदस है, मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। चार बहन भाई हैं, हम सब पढ़ रहे हैं। मेरी उम्र 11 साल थी जब मेरे बाबा की डेथ हुई। आपकी ज़िंदगी से जब एक इंसान जाता है ना, तो वो सिर्फ एक इंसान का जाना नहीं होता, उससे जुड़ी सारी जिंदगियाँ जो है ना दम तोड़ जाती हैं। मेरे बाबा के जाने के बाद फिर मैं पूरी फैमिली को सपोर्ट किया है मेरे दादा अबू ने। मेरे बाबा की ये विश थी कि हम लोग पिंडी जाके कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ें, तो हम लोग यहाँ पिंडी शिफ्ट हो गए, क्योंकि जो हमारा गांव है वहाँ पे गर्ल्स के लिए ना कॉलेज है और ना यूनिवर्सिटी है। मेरे बाबा के एक दोस्त थे, उन्होंने हमें इस्लामिक रिलीफ के बारे में बताया। फिर इस्लामिक रिलीफ वाले एक दिन हमारे घर आए, तो उन्होंने कहा कि हम जो है वो आपको स्कॉलरशिप देंगे यूनिवर्सिटी लेवल के लिए। एक जो उनका अपना प्रोग्राम था एम्पावरिंग विडोज़ इन नीड के तहत, जिसमें वो लोग विडोज़ के बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप देते थे। तो जब मैंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, जितनी स्कॉलरशिप मिली उसके बाद भी फ़ी ज़्यादा थी, तो जो बाकी 50% थी फिर वो इस्लामिक रिलीफ फंड किया। तो अब मैं जो है वो भी स्कॉलरशिप अवेल कर रही हूँ। आई एम करंटली स्टडिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रॉम कस्ट यूनिवर्सिटी। जहाँ पे ये इंसान की कामयाबी का सफ़र जारी रहता है, वहाँ पे इंसान को बहुत से चैलेंजेस को भी फेस करना पड़ता है। मैं बोलते बोलते रुक जाती हूँ। अभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं कोविड की वजह से, तो ऐसा होता है हमारी क्लास हो रही होती है तो बहुत सी चीज़ें मैं बोलना चाह रही होती हूँ, मैं अपने माइक अनम्यूट करती हूँ बोलने के लिए, लेकिन मैं बोल नहीं सकती हूँ। बहुत से वर्ड्स मैं बिल्कुल डाउन हो जाती हूँ उस टाइम। इस्लामिक रिलीफ का जो ये प्रोग्राम है, इसने फाइनेंशली जहाँ पर सपोर्ट किया है वहाँ पर इन्होंने जो उनका की एलिमेंट था साइको सोशल सपोर्ट, इसके थ्रू इन्होंने हमारा साइकोलॉजिस्ट के साथ हमारा इंटरेक्शन करवाया है। अगर ये ना होता तो फिर जो बाकी चीज़ें वो इनकम्प्लीट होती। जो मेरा गोल है फ्यूचर, जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो CSS एग्ज़ाम है। वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ से पॉलिसी लेवल पे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड से रिलेटेड ही IT इंडस्ट्री में बूस्ट कर सकूँ। अगर आज मेरे बाबा ज़िंदा होते तो वो भी, उनको भी बिल्कुल वैसा ही वो प्राउड फील कर जैसे आज मेरी मामा फील कर रही हैं। मेरी हिम्मतें अभी झुकी नहीं, मेरे हौसले अभी बुलंद हैं, मुझे हार जीत से गर्ज नहीं, मेरी जंग थी सो मैं लड़ गया।